प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संबोधन के साथ कुछ ही घंटों बाद खत्म होने के करीब आ गई है। मोदी जी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने इंडियन डायस्पोरा के लोग भारी मात्रा में आए थे, जो कि वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे थे। इंडियन डायस्पोरा की यही देशभक्ति है जो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को हमेशा आकर्षित करती है, और पीएम मोदी हमेशा ही प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय डायस्पोरा का प्यार स्वीकार करने उनके करीब जाते रहते हैं। कोविड-19 के कारण हमेशा की तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस में किसी पब्लिक गैदरिंग को इस बार तो संबोधित नहीं किया, लेकिन इस बार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पिछले अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की तरह भारत की दुखती रग पर हाथ रख ही लिया, लेकिन उस पर बाद में आता हूँ। उससे पहले मैंने इस विजिट के दौरान एक चीज नोटिस की जिसके बारे में आपको बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था है भी या फिर नहीं, वो आप खुद ही जज करें। जिस तरह पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ मलीना ट्रंप के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को वेलकम करने व्हाइट हाउस के गेट तक खुद ही आए थे, और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में जो साथ में वॉक की थी, वैसा कुछ अभी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने पर उनके लिए बिल्कुल नहीं किया। जो बाइडेन का तो चलो खुद ही वहां पर प्रेजेंट ना रहना वो तो चलो समझ आता ही है, और एक समय के लिए मान ही लेते हैं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण वो पीएम नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए खुद ही नहीं आए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उसको देखते हुए ये चीज थोड़ी ऑड लगी। जो बाइडेन ने तो एटलीस्ट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो अपने आप को भारत की बेटी तक क्लेम कर चुकी हैं और भारतीय मूल के वोटर्स के दम पर वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, कम से कम वो तो पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर खुद ही प्रेजेंट रह सकती थी। लेकिन खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइडेन प्रशासन पूरी तरह भारत विरोधी है या फिर अमेरिका ने इस बार भारत की बेइज्जती कर दी, लेकिन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। आगे आने वाले कुछ समय के बाद रशियन प्रेसिडेंट पीएम नरेंद्र मोदी को होस्ट करेंगे, या फिर भारत प्रेसिडेंट पुतिन को बायलेटरल समिट के लिए होस्ट करेगा, उस वक्त ये चीज देखने को मिल सकती है। इसके साथ जो बाइडेन ने भारत की एक और दुखती रग पर हाथ रख दिया था। दरअसल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, जो पीएम मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग के दौरान वहां पर प्रेजेंट थे, उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आकर कहा कि जो बाइडेन ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है, और कहा है कि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा। इसके साथ हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने यह भी बोला कि भारत ने जो रिसेंटली एक महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली थी, जो बाइडेन ने उसकी भी तारीफ की, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को भारत आने के लिए इनवाइट यानी आमंत्रित किया। वैसे जो बाइडेन ने पीएम मोदी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया या फिर नहीं, वो तो खैर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने नहीं बताया। लेकिन अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि अमेरिका के समर्थन से अब हमें वीटो पावर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया से लेकर अमेरिका, यूके और फ्रांस, चाइना को छोड़कर ये सभी परमानेंट मेंबर्स भारत को बायलेटरल मीटिंग्स के दौरान ये लॉलीपॉप कई दशकों से पकड़ाते आए हैं। लेकिन जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असली रिफॉर्म्स की बात आती है, इनमें से कोई भी एक देश सामने नहीं आता है। फाइनली काफी आलोचना के बाद ये खबर आ रही थी कि जो ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से 10 करने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन ये सभी देश नहीं चाहते हैं कि जो नए परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे उनको भी वीटो पावर दी जाए, यानी इनके मुताबिक वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास बनी रहे, बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ा दिया जाए। इसलिए अमेरिका या जो बाइडेन के समर्थन से हमें ज्यादा खुश या उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बिना वीटो पावर के भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।